हेलो एवरीवन, वेलकम टू यशव ऋषि मधुकर। माय नेम इज आशीष मधुकर। आई हैव टोटल 8 ईयर्स सेल्फ को सर्टिफाइड एंड 2 ईयर्स को पढ़ो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एपेक्स फ्यूचर मेथड। तो फ्यूचर मेथड क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, और इसमें हम एग्जांपल भी देखेंगे, और इसमें कौन कौन से लिमिटेशन होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बिना वेस्टिंग टाइम। तो आज का एजेंडा हमारा है व्हाट इज एपेक्स फ्यूचर मेथड्स, बेनिफिट ऑफ एपेक्स फ्यूचर मेथड एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एपेक्स फ्यूचर मेथड। ओके, तो चलते हैं अपने फ्यूचर मेथड में। तो प्रीवियस सेशन में आपने देख लिया था कि फ्यूचर मेथड्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें। तो फिर भी अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। फ्यूचर एनोटेशन इज यूज टू एग्जीक्यूट मेथड एसिंक्रोनसली। When you define other future, it execute when Salesforce has available resource. तो basically, the future method जो create होता है, वो normally आपका Apex class ही होता है और method ही होता है, बस उसके ऊपर आपको @ annotation लगा देना होता है, ठीक है, @future, तो वो आपका future method बन जाता है। ओके, इट इज यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन लाइक वेब सर्विसेस, कॉल आउट, फॉर एनी अदर ऑपरेशन विच हैज नो टू रन ऑन दिस ऑन टाइम। तो ऐसा कोई ऑपरेशन जो आपको लगे कि बिना यूजर को इंटरप्ट किए हुए ही आगे बैकएंड में वो रन करे, तो आप इसको लॉन्ग रनिंग जो भी हो सकता है उसको कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो लॉन्ग रन करता ही रहेगा, जब भी उसका रिसोर्स अवेलेबल होगा तुरंत भी वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम आगे मेथड इसमें देखेंगे, नॉर्मली एक एग्जाम्पल देखेंगे, बाकी आगे हम एक वेब कॉल आउट का भी करेंगे, ठीक है। इफ फ्यूचर एनोटेशन इज नॉट यूज इन अ वेब सर्विसेस कॉल आउट, द थ्रेड विल वेट अंटिल द रिस्पॉन्स कम एंड अदर प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड। तो जो भी फ्यूचर एनोटेशन अगर आप नहीं यूज करते हो तो वेब सर्विसेज में वो आपका नॉर्मली जो एपेक्स की तरह होता है वैसे ही कॉल रन करता है, ठीक है। फ्यूचर मेथड आर यूज टू अवॉइड द मिक्सडीएमएल एरर। इट इज यूज क्यू एंड एग्जीक्यूटेड वेन रिसोर्स आर अवेलेबल टू, सो इट डजेंट हैव टू वेट फॉर द कंप्लीशन फॉर अ लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन। तो मिक्स डीएमएल एरर, अगर आपने टेस्ट क्लास लिखा होगा तो उसमें आप देखा होगा कि जब आप उसमें कोई कस्टम या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर रहे हो, रिकॉर्ड और कोई प्रोफाइल या रोल रोल एंड यूजर भी इंसर्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको मिक्स डीएमएल का एरर आता है। तो हम उसको भी देखेंगे टेस्ट क्लास में कि फ्यूचर मेथड के थ्रू हम मिक्स डीएमएल को कैसे अपना अचीव कर सकते हैं। ओके, देन बात करते हैं फ्यूचर मेथड इंक्रीज द गवर्नर लिमिट्स सच एज द एसक्यूएल क्वेरी लिमिट एंड हीप साइज। तो जो फ्यूचर मेथड का होता है वो अपना उसका अलग गवर्नर लिमिट होता है, जिसमें आप एसक्यूएल क्वेरी एंड उसकी हीप साइज की होती है। टू डिफाइन ए फ्यूचर मेथड वी जस्ट नीड टू एनोटेट इट विद द फ्यूचर एनोटेशन। जब जब आपको फ्यूचर मेथड डिफाइन करना है तो जस्ट आपको यूज करना है @future। ओके, देन बात करते हैं सिंटेक्स ऑफ द फ्यूचर मेथड। तो सिंटेक्स उसका आप देखिए, जो हमारा नॉर्मली पब्लिक क्लास है, जैसे कोई भी क्लास क्लास क्रिएट करते हो वैसे क्रिएट क्लास करते हैं, @future, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक अवॉइड माई फ्यूचर मेथड, यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट पैरामीटर, जो भी आपको पैरामीटर पास करना है वो पास कर सकते हो, बाकी आप नीचे जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं और आगे हम डेमो भी करेंगे। तो ये हमारा सिंटेक्स था, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करते हैं बेनिफिट ऑफ एपेक्स फ्यूचर मेथड। तो एपेक्स फ्यूचर मेथड के कौन कौन से बेनिफिट होते हैं इसमें, और क्या क्या इससे आपका जो बेनिफिट है वो सारे हम इसके बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। फ्यूचर मेथड रन एसिंक्रोनसली अलाउइंग द मेन ट्रांजेक्शंस टू कंटिन्यू विदाउट वेटिंग फॉर द एसिंक्रोनस ऑपरेशन टू कंप्लीट। दिस इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सनेस ऑफ योर एप्लीकेशन। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको लगता है कि इसमें जो आप क्रिएट कर रहे हो, आपको लगता है कि जो भी हमारा डेटा वेट ना हो बैक एंड में उसका ऑपरेशन चले, तो आप उसको फ्यूचर मेथड में रन कर सकते हो, बाकी जो आप अदर वर्क है वो आप आगे उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। देन बात करते हैं गवर्नर लिमिट्स। तो फ्यूचर मेथड हैव देयर ओन सेट ऑफ गवर्नर लिमिट्स विच आर सेपरेट फ्रॉम द लिमिट ऑफ द करेंट ट्रांजेक्शन। दिस कैन बी एडवांटेज अस When dealing with the large data set of the complex operation, as it help avoid hitting the limit imposed on a synchronous transaction. तो synchronous transaction में क्या होता है, अपना
लिमिटेड चीजें होती है, गवर्नर लिमिट होता है, बट जो आपके एसिंक्रोनस में होता है या फ्यूचर मेथड है उसमें आपका सेम चीजें डबल में होती है अप्रॉक्स, उसका गवर्नर लिमिट्स। ओके, देन बात करते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन। देन मल्टीपल फ्यूचर मेथड कैन बी इन्वॉल्व कॉन्करेंटली इनेबलिंग पैरेलल प्रोसेसिंग, दिस कैन बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर हैंडलिंग बल्क डेटा प्रोसेसिंग और परफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट टास्क साइमल्टेनियसली। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन में बेसिकली जो भी आपका ऑपरेशन है आपको करना चाहते हो और चाहते हो कि मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ में रन करें, तो आपका यहाँ पे फ्यूचर मेथड उसमें हेल्प करेगा आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर है उसमें उसकी ऑपरेशंस को करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल आपका फ्यूचर मेथड एक साथ में रन करेगा जिसमें कोई डिपेंडेंसी या कोई भी नहीं होता है। साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल फ्यूचर मेथड एक साथ रन कर सकते हो। ओके, देन बात करते हैं लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन। फ्यूचर मेथड आर सुटेबल फॉर टास्क दैट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, सच एज द मेकिंग एचटीटीपी कॉल आउट और परफॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। बाय रनिंग दीज ऑपरेशन एसिंक्रोनसली यू प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम द एक्सपीरियंस डिले। तो ये जो आपका कभी कभी एक लॉन्ग रनिंग टाइम हो जाता है जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है या कोई आप कॉल आउट कर रहे हो तो उसमें टाइम लेता है, तो आपका जब से रिसोर्स अवेलेबल होता है तभी वो आगे आपका एग्जीक्यूट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो फ्यूचर मेथड प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइनिंग योर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। यू कैन डेलीगेट द स्पेसिफिक टास्क फॉर टू बी एग्जीक्यूटेड एंड सिंक्रोनसली अलाउइंग यू टू क्रिएट मोर रिस्पॉन्सिव एंड स्केलेबल एप्लीकेशन। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, आप मल्टीपल थ्रेड एक साथ में यूज कर सकते हो, मल्टीपल एप्लीकेशन मल्टीपल फ्यूचर मेथड आप कॉन्करेंटली साइमल्टेनियसली रन कर सकते हो। ओके, देन बात करते हैं व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द एपेक्स फ्यूचर मेथड। तो पहला लिमिटेशन है आपका कि नो रिटर्न वैल्यू, फ्यूचर मेथड डू नॉट रिटर्न वैल्यू। इफ यू नीड टू रिट्रीव रिजल्ट फ्रॉम एसिंक्रोनसली ऑपरेशन कंसिडर यूजिंग अदर मैकेनिज्म लाइक प्लेटफॉर्म इवेंट डेटाबेस रिकॉर्ड और क्यूरी डेटा आफ्टर द एसिंक्रोनस जॉब हैज कंप्लीटेड। तो अगर आपको रिटर्न में डेटा चाहिए तो यहाँ पे रिटर्न मेथड फ्यूचर मेथड में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर मेथड कब रन करेगा नहीं पता। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसका रिटर्न डेटा टाइप लेकर करेंगे भी क्या? अगर आपको रिटर्न में डेटा चाहिए तब पर भी अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप वर्क अराउंड कर सकते हो कि प्लेटफॉर्म इवेंट यूज कर सकते हो। प्लेटफॉर्म इवेंट पे आप वहाँ पे रिकॉर्ड को इंसर्ट मार सकते हो या जो भी रिटर्न डेटा आप करना चाहते हो, और उस प्लेटफॉर्म इवेंट के थ्रू आपको जो ऑपरेशन करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, नो ट्रांजेक्शन रोल बैक, चेंजेज मेड बाय द फ्यूचर मेथड आर कमिटेड टू द डेटा बेस इमिडिएटली एंड आर नॉट रोल बैक इवन इफ द ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व द फ्यूचर मेथड इज रोल बैक। इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिजाइन योर कोड अकॉर्डिंगली टू हैंडल द पोटेंशियल इनकंसिस्टेंसी। तो इसमें आप बात करें तो नो ट्रांजेक्शन रोल बैक, इसमें ट्रांजेक्शन रोल बैक का सिस्टम नहीं है जिस बेसिकली तो ए इसमें एक लिमिटेशन है आपका बेसिकली। ठीक है, एंड बात करते हैं बैचिंग कंसिडरेशन। वाइल मल्टीपल फ्यूचर मेथड कैन रन कॉन्करेंटली सेल्सफोर्स लिमिट द नंबर ऑफ फ्यूचर मेथड इन्वोकेशन पर ट्रांजेक्शन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्यूचर मेथड इन्वोकेशन इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन इन डिटरमिनेट बाय द टाइप ऑफ सेल्सफोर्स एडिशन। ओके, लाइक एंटरप्राइज एडिशन। तो जो भी फ्यूचर मेथड होता है आई थिंक 40 और 50 होता है पर ट्रांजेक्शन जो आप कर सकते हो, उसमें उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, और डिपेंड करता है सेल्सफोर्स के एडिशन के बेसिस पे ही उसकी लिमिट बढ़ जाती है, और उसके आप मतलब लिमिटेड बढ़ा भी सकते हो, बट आपको सेल्सफोर्स से कॉन्टेक्ट करके अगर आपका कोई भी एडिशन है उसमें अगर आपको लिमिट कम है और आप चाहते हो बढ़वाने के लिए लिमिट, तो आप सेल्सफोर्स से उसके एई से बात करके आप डायरेक्टली अपना लिमिट बढ़वा सकते हैं। ओके, देन पार करते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। द ऑर्डर इन विच फ्यूचर मेथड आर एग्जीक्यूटेड इज नॉट गारंटेड। इफ यू नीड टू एनफोर्स ए स्पेसिफिक ऑर्डर यू मे नीड अ डिजाइन योर सोल्यूशन अकॉर्डिंगली परहैप्स बाय द चेनिंग फ्यूचर मेथड और यूजिंग अदर मैकेनिज्म। अगर आप बात करते हो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की तो फ्यूचर मेथड का कोई भी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं है, कौन सा फ्यूचर मेथड कब रन करेगा किसी को नहीं पता।
तो अगर वो आपको जहां पे लगता है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन फॉलो करना है तो आप किसी और मैकेनिज्म के थ्रू जाइए या फिर अपना खुद का बेसिकली सॉल्यूशन डिजाइन कर सकते हो। एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन वाली फ्यूचर मेथड आर डिजाइन फॉर एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन एंड कैन नॉट बी कॉल्ड सिंक्रोनसली। इफ यू नीड टू वेट फॉर द रिजल्ट फॉर एसिंक्रोनस ऑपरेशन, कंसिडर यूजिंग अदर एसिंक्रोनस पैटर्न सच एज प्रोमिसेस आर कॉल बैक्स। तो अगर आपको जहां पे लगता है कि इसको आप सिंक्रोनसली अगर आप सिंक्रोनस सोच के आप सोचते हो कॉल कर लो उसको और डेटा मुझे रिटर्न चाहिए या फिर उसका जब डेटा उसका वो एग्जीक्यूट हो जाए तब आगे करें, तो वो सोल्यूशन पे आप मत जाओ ताकि यहाँ पे सिर्फ एसिंक्रोनस के लिए हम फ्यूचर मेथड यूज करते हैं। लिमिटेड एक्सेप्शन हैंडलिंग फ्यूचर मेथड हैव द लिमिटेड एक्सेप्शन हैंडलिंग कैपेबिलिटी, एनी अनहैंडल एक्सेप्शन विल रिजल्ट इन अ फ्यूचर फेलियर, बट कैचिंग एंड हैंडलिंग एक्सेप्शन विद इन द फ्यूचर मेथड इज लिमिटेड, इट्स एसेंशियल टू इम्प्लीमेंट रोबस्ट एरर हैंडलिंग एंड लॉगिंग। तो जो आपका इसमें लिमिटेशन है फ्यूचर मेथड में, इसमें आपका बहुत ही कम फ्यूचर कम हैंडलिंग है बेसिकली, आप इसे लिमिटेड एक्सेप्शन हैंडलिंग है आपके फ्यूचर मेथड। बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड पैरामीटर्स। फ्यूचर मेथड कैन ओनली एक्सेप्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट दैट कंटेन प्रिमिटिव्स, दे कैन नॉट एक्सेप्ट एस ऑब्जेक्ट दैट रेफरेंस नॉन प्रिमिटिव टाइप। तो आपको जो फ्यूचर मेथड है आपका पैरामीटर जो वैल्यू होती है वो सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप ही लेता है, अगर और लिस्ट ऑफ डेटा लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड वो आपका रिकॉर्ड ये एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, बात करते हैं हीप साइज लिमिट। द फ्यूचर मेथड हैव देयर ओन हीप साइज लिमिट, इफ योर एसिंक्रोनस ऑपरेशन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट डेटा प्रोसेसिंग यू मे स्टिल नीड टू बी माइंडफुल ऑफ हीप साइज कंसिडरेशन। तो जो भी उसकी हीप साइज होती है अगर आप इसको डिजाइन कर रहे हो आप फ्यूचर मेथड यूज कर रहे हो तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आप अपना फंक्शनलिटी करें ताकि उसका हीप साइज आपका लिमिट एक्सीड ना हो जाए। रेट लिमिट ऑफ एसिंक्रोनस एपेक्स, सेल्सफोर्स इम्पोजेस रेट लिमिट ऑन एसिंक्रोनस एपेक्स एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल इन अ 24 आवर पीरियड कैन ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउ अ सर्टेन नंबर ऑफ एसिंक्रोनस एपेक्स एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन इट्स सेल्सफोर्स एडिशन। तो जो रेट ऑफ लिमिट होता है अगर आपने फॉर एग्जाम्पल सेल्सफोर्स ने टोटल 100, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये नहीं बोल रहा कि इतने ही होते हैं, ठीक है, अगर सेल्स फोर्स ने के एडिशन के बेसिस पे जो भी लिमिट होता है 24 आवर्स में उतने अगर आपने कंज्यूम कर लिए फ्यूचर मेथड कॉल आउट आपने कॉल कर लिए एग्जीक्यूट कर लिए तो उससे ज्यादा आप दोबारा नहीं कर सकते हैं, आफ्टर 24 आवर्स ही आप दोबारा फ्यूचर मेथड को यूज कर सकते हो। तो ये इसमें एक आपका ये सारे लिमिटेशन है। अब बात करते हैं हम अपने डेमो और एग्जाम्पल की। तो फ्यूचर मेथड हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी करेंगे, तो हमारा सिंपल ही वही रिकॉर्ड है, यहाँ पे हम फ्यूचर मेथड के सारे फंक्शनलिटी समझने की कोशिश करेंगे कि अपडेट कॉन्टैक्ट इज क्रिएटेड देन सॉरी व्हेन कॉन्टैक्ट इज क्रिएटेड देन काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक अपडेटेड ऑन द अकाउंट बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट हो गया था, तो जब भी मेरा अकाउंट क्रिएट होगा तो वहां पे मेरा कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा वो आपको अकाउंट पे आके ऑटोमेटिक उसे लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपने इस पे आते हैं बेसिकली सेल्सफोर्स में, और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं अपना एपेक्स क्लास। ठीक है, और बात करते हैं अपने सेल्सफोर्स में जो भी हमारा अकाउंट है उस पे ऑलरेडी आई थिंक एक फील्ड है काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स का, तो मैं देख लेता हूँ अगर नहीं होगा तो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इसमें है मेरा, तो अगर आपके पास नहीं होगा तो आप उसको जरूर उसको एग्जीक्यूट कर लेना मतलब चेक कर लेना, और उसमें काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट करके कोई भी आप फील्ड बना सकते हो। मेरे पास कॉन्टैक्ट काउंट है ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे एक दिखा रहा है, तो आप आगे हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको अगर ट्रिगर के अंदर नहीं करना चाहते हो तो पहले आप ट्रिगर के अंदर नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली नॉर्मली वैसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे फ्यूचर मेथड को कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जैसे एपेस क्लास क्रिएट करते हो एपेस क्लास क्रिएट कर लो, एपेस क्लास का नाम दे दो जो भी देना है आपको, मैंने दे दिया डेमो फ्यूचर मेथड। ओके,
और यहाँ पे मैंने अपना मेथड का नाम देता हूँ। तो यहाँ मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड देन अपडेट काउंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, अब ये मेरा नॉर्मल मेथड है। अब बात करते हैं फ्यूचर मेथड इसको कैसे बनाएंगे। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एट द रेट फ्यूचर कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्यूचर मेथड। ठीक है, अब हमने बात किया था ना कि इसमें डेटा टाइप कौन कौन सा लेता है। तो यहाँ पे डेटा टाइप हम पहले यहाँ पे पास करते हैं कि लिस्ट ऑफ अकाउंट क्या लेगा। देखो तो यहाँ पे आपका ये लिमिटेशन है, ये आपका लिस्ट ऑफ काउंट, लिस्ट ऑफ अकाउंट का रिकॉर्ड आप फ्यूचर मेथड के अंदर पास नहीं कर सकते जो पैरामीटर। अगर आप करते हो तो देखिए, अगर आप जो पैरामीटर है आप जैसे ही डिक्लेयर करोगे वहीं पे आपको एरर मिल जाएगा। तो देखिए एरर क्या देगा आपका यहाँ पे, फ्यूचर मेथड डू नॉट सपोर्ट पैरामीटर ऑफ लिस्ट। ठीक है, क्या ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आपका सपोर्ट करता है, इसका भी चेकिंग कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो लिस्ट जो आपका किसमें है, आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो यह सब्जेक्ट आपको इसमें नहीं पास कर सकते हो, सिर्फ आप आईडी पास कर सकते हो, डेटा पास कर सकते हो, इसमें और कुछ नहीं पास कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं रिटर्न। यहाँ पर हमने वाइड है, हम यहाँ पे देते हैं इंटीजर करके। ओके, और इसको सेव करते हैं, तो देखो क्या होता है, एरर यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, दोबारा ओपन करता हूँ तो आपको एरर भी काले से दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं इस एपेक्स मेथड को दोबारा ओपन करता हूँ अपने फ्यूचर मेथड को, और यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ अब इंटीजर। इसको आप जैसे सेव करोगे तो आपके पास क्या एरर आएगा, उदय फ्यूचर मेथड डू नॉट सपोर्ट रिटर्न टाइप ऑफ इंटीजर, मिसिंग रिटर्न टाइप ये दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ रिटर्न भी करोगे कोई भी डेटा तो भी वो रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि ये आपका सपोर्ट ही नहीं करता है रिटर्न, आप रिटर्न ही नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपका हमेशा क्या होगा, वाइड होगा, और यहाँ पे रिटर्न हट जाएगा। तो हम यहाँ पे अब ये सब हमारा डेटा टाइप हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ आईडीज भी लेके आ सकते हैं, सिंपल ला सकते हैं, आप यहाँ पे सेट भी ला सकते हो, सेट भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो ये सारे डेटा आप यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास कर सकते हो। अब क्यों सपोर्ट नहीं करता है, हम उसकी बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो फ्यूचर मेथड जो होता है, आप एग्जाम्पल के तौर पर सोचो कि एक आपने कोई रिकॉर्ड क्रिएट किया है ना, और फ्यूचर मेथड में आपने वो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड पास कर दिया। ठीक है, बट फ्यूचर मेथड अभी आपका रन नहीं हुआ, क्योंकि वो सिंक्रोनस रन करेगा, जब रिसोर्स अवेलेबल होगा तभी रन करेगा। तो जब आपने वो रिसोर्स उसमें वो डेटा पास किया अकाउंट का है ना, और वहां पे अपने कोई ऑपरेशन करना था, आपको अपने जो अपडेट करना था वो फ्यूचर मेथड के अंदर, बट यहाँ पे जो जो डेटा या कुछ भी आपको जो ऑपरेशन करना था यहाँ पे, जब तक वो रन नहीं किया, मतलब फ्यूचर मेथड अभी तक रन नहीं हुआ है, बट यहाँ पे किसी यूजर ने जाके उस रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया। ठीक है, बट जो आपने डेटा पास किया था फ्यूचर मेथड के अंदर, उसमें कौन सा डेटा है जो आपने प्रीवियसली पास किया था, तो मतलब डेटा तो यहाँ पे अपडेट हो चुका है, किसी ने अपडेट कर दिया, बट जो फ्यूचर मेथड के अंदर ऑपरेशन करने के लिए है, करने के लिए डेटा है, वो तो प्रीवियस डेटा है। तो वहां पे क्या होगा, इंटीग्रिटी हो जाएगा वहां पे, मतलब डेटा में डेटाबेस में कुछ और डेटा है और फ्यूचर मेथड कोई और डेटा लेके आप ऑपरेशन कर रहा है। तो इसलिए सेल्सफोर्स ने वहां पे हमें ना ना तो यहाँ पे ये नहीं दिया है आपका लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आप आईडी पास कर सकते हो, जब कोई ऑपरेशन करना है तो उसमें डेटा आप दोबारा जैसे क्वेरी इसमें करके आप डेटा अपडेटेड डेटा लेकर आओ, फिर ऑपरेशन जो करना है करो जब आपका फ्यूचर मेथड रन करे। और यहाँ पे सेम ऐसे ही बात करते हैं रिटर्न टाइप की। तो रिटर्न टाइप क्यों नहीं दिया है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर मेथड कब रन करेगा हमें नहीं पता, जब रिसोर्स अवेलेबल होगा तभी वो रन करेगा।
तो जब रिसोर्स अवेलेबल होगा तब रन करेगा, तो उस टाइम पे आप रिटर्न लेकर डेटा करोगे भी क्या? हो सकता है मैं कह रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल के लिए सोच रहे हो कि कल रन करेगा और आपने अभी आपको डेटा चाहिए, तो उसका कोई मतलब है कल लेकर डेटा? नहीं कोई मतलब है। तो इसलिए ऐसा एग्जाम्पल, इसलिए सेल्सफोर्स ने आपको यहाँ पे अवॉइड दिया है रिटर्न डेटा टाइप, नहीं दिया। ठीक है, तो चलते हैं हम अपना वो छोटा सा उसको वो अपना उसके अचीव करते हैं सिनारियों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ आईडीज लेकर आएंगे। ठीक है, तो पहले हम इस मेथड में सारा ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ अकाउंट का, मैंने यहाँ पे दे दिया ACC लिस्ट करके, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा, यहाँ पे दोबारा मैं इनर क्वेरी कर लेता हूँ सेलेक्ट आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, ओके यहाँ भी फ्रॉम अकाउंट, ओके देन वेयर आईडी इन दिस, ये जो आपका लिस्ट ऑफ अकाउंट की आईडी आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, ओके तो ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे ऑपरेशन करना है आपको। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे अपना एक लिस्ट बना लेता हूँ अकाउंट का, है ना, यहाँ पे मैं दे दिया अकाउंट की अकाउंट टू बी अपडेट। ठीक है, ये मेरा लिस्ट बनाया है अकाउंट को अपडेट करने के लिए बेसिकली। ठीक है, अभी जो मेरा लिस्ट डेटा आया है इसको चेक कर लेता हूँ, अगर ये मेरा लिस्ट का डेटा की साइज बेसिकली ग्रेटर देन 0 है तभी मैं इसको आगे एग्जीक्यूशन करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको किया यहाँ पे ग्रेटर देन 0, देन इसके बाद मैं आगे का ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर लूप चलाया, एक फॉर लूप किसमें चलाना है हमने अकाउंट पे, यहाँ पे मैं दे दिया ACC डिस्टेंस नेम उसका, और इस लिस्ट को यहाँ पे पास कर दिया। सिंपल यहाँ पे है बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, बस जो मैं मेरा अकाउंट की ये डेटा है यहाँ पे हमें अपडेट करना है, तो सिंपल हमें क्या करना है यहाँ पे अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ACCOBJ करके मैंने दे दिया नाम उसका, और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर। ठीक है, अब इसमें मैं अकाउंट की आईडी देता हूँ डायरेक्टली और डॉट अकाउंट आईडी, यहाँ पे जो ACC आईडी आ रही है मेरा यहाँ पे ACC आईडी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मेरा क्या है कॉन्टैक्ट ऑफ काउंट, कॉन्टैक्ट ऑफ काउंट के अंदर क्या पास करना है आपको, जो मेरा लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा आपका ACC डॉट जो ये मेरा कॉन्टैक्ट है, तो आपका ये कॉन्टैक्ट के अंदर आएगा डॉट साइज, ये जितनी इसकी साइज आएगी टोटल साइज। ठीक है, अब इसमें क्या करो, ये लिस्ट में अपडेट कर दो यहाँ पे डॉट एड। ठीक है, किसको ऐड करोगे, ये जो आपने ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे डेटा फिल किया है। ठीक है, ये ऑपरेशन हो गया आपका, बस यहाँ पे आके आपको अगर यहाँ पे भी आपको एरर हैंडलिंग चेक करना है तो चेक कर लो कि साइज इसमें अगर कोई डेटा है तभी मेरा अपडेट करे, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे दोबारा लिस्ट साइज चेंज कर लो इज ग्रेटर देन 0, देन यहाँ पे आप अपडेट कर लो। ठीक है, सिंपल, ये मेरा फ्यूचर मेथड है। अब इसको हम पहले किससे रन करते हैं, ए एनएमएस विंडो से रन करते हैं, उसके बाद हम इसको ट्रिगर में भी डाल सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो कैसे इसको रन करोगे, यहाँ पे अब आपके पास लिस्ट ऑफ अकाउंट का डेटा भी चाहिए, तो कैसे रन करोगे, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ अकाउंट का, यहाँ पे एक सिक्वल क्वेरी कर लेता हूँ, और यहाँ पे अकाउंट लिस्ट बना के यहाँ पे अकाउंट का डेटा ले लेता हूँ सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फॉर लूप चला के यहाँ पे सारे आईडी
स्टोर कर लेता हूँ एक सेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक जो भी मेरा सेट है मैं इसका सेट का नाम देता हूँ ACC IDs सेट करके डॉट ऐड कर लिया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा ACC ID है इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। बस अभी आपको सेट बनाना था, सेट बना लो एक। यहाँ पे मैंने दे दिया ID, इसका नाम हमारा ACC ID सेट इक्वल टू न्यू सेट IDs। सिंपल ये हमारा, देखिए हम NMS विंडो से भी डायरेक्टली रन कर सकते हैं। अब हमारा क्या रन करना है, फ्यूचर मेथड। तो फ्यूचर मेथड को रन करने के लिए हमें यहाँ पे ये करना है, ये हमारा स्टैटिक मेथड है, तो हमें बिना इंस्टेंस बनाए ही कॉल कर सकते हैं क्लास के नाम से। और यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ ID है इसके अंदर पैरामीटर में पास कर दिया, ठीक है। अब देखिए रन करेगा तो यहाँ पे फ्यूचर मेथड आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, यहाँ पे देखिए आपके पास ये क्या आता है, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टोकन दिखा रहा है। और तो यहाँ पे मेरा सॉरी, यहाँ पे मेरा ऑफ दिखा रहा है, ये मेरा फॉर है, ठीक है। अब इसको करते हैं रन। यहाँ पे मेथड डज नॉट एग्जिस्ट आर इनकरेक्ट ACC अकाउंट ID, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे देखो हमने अकाउंट डायरेक्टली ऐड कर दिया जबकि यहाँ पे सिर्फ ID ऐड करना है, ओके। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ आप देखो यहाँ पे मेरे पास ए मेथड बन गया और यहाँ पे मेरा फ्यूचर मेथड बन गया, यहाँ पे स्टेटस सक्सेस भी दिखा रहा है, मतलब मेरा यहाँ पे सारा चीजें रन कर गया, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए कैसे चेक करोगे, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक वहाँ पे एक रिकॉर्ड दिखा रहा था, तो अभी हम इसको एक और कॉन्टेक्ट बना के दोबारा चेक करते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन उसमें ना हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और बना देते हैं Test 23 करके और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा पास अभी एक रिकॉर्ड दिखा रहा था तो यहाँ पे दो रिकॉर्ड हो गए, क्यों, क्योंकि मेरा ट्रिगर बैकेंड में चल रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अभी हटा दिया, कोई भी रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं, क्योंकि ट्रिगर जो है उसको अपडेट कर रहा था। अब हम देखिए यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं इसके अंदर। अब मैं इससे थ्रू इसको दोबारा से चला के इसको अपडेट करता हूँ, तो ये मेरा रन हो गया। यहाँ पे देखिए फ्यूचर मेथड का ये लॉग भी बन गया, ओके। अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे मेरा डिटेल्स में आते हैं, इसको चेक करते हैं, दो रिकॉर्ड, ठीक है। तो मेरा फ्यूचर मेथड रन कर रहा है। अब फ्यूचर मेथड का एनालिसिस करना है तो कैसे करोगे, आपको सिंपल जाना है सेटअप में, तो जितने भी एसिंक्रोनस होता है सारा आप यहीं से देखोगे, जैसे फ्यूचर मेथड कर देख रहे हो वैसे ही आप उसके लिए भी देख सकते हो, एपेक्स का, बैच का और स्क्यूएबल का सारा। तो यहाँ पे होता है मेरा शेड्यूल जॉब्स, सेटअप में आपको शेड्यूल जॉब्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो भी फ्यूचर मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ऑल शेड्यूल जॉब्स, ये मेरा क्या होता है ऑल शेड्यूल जॉब, यहाँ पे क्या होता है जितने भी शेड्यूल होते हैं, अगर आपने कोई शेड्यूल किया है तो यहाँ पे सारे शेड्यूल जॉब दिखा देता है, ठीक है। अब इसके बाद आप कौन कौन सा रन किया है उसको चेक करना है, तो यहाँ पे आपको पता है एपेक्स जॉब, एपेक्स जॉब में आपका जो भी आपका फ्यूचर मेथड जो भी सारे रन करेंगे वहाँ पे दिखाएगा कंप्लीट हुआ है या फिर वो एबॉर्ट हो गया, मतलब एरर आया। तो यहाँ पे देखिए मेरा एपेक्स का क्या नाम था, डेमो फ्यूचर मेथड। अब मेथड कौन सा रन किया है देखो यहाँ पे अपडेट काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट और यहाँ पे उसकी एपेक्स की ID भी बनी, जॉब ID। तो ये सब मेरा था एपेक्स जॉब, ठीक है। जो भी जॉब रन करेगा यहाँ पे देखिए सारा दिखाएगा, स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड, टोटल बैचेस कितनी बनी है 0 0, प्रोसेस कितने हुए 0 0, फेल कितने हुए 0, सारे रिकॉर्ड इसमें बनते हैं। अब सेम यही जो आपका चल रहा है मेथड को, आप इसको आप जहाँ पे कॉल करना है आप कर सकते हो, इसको ट्रिगर के अंदर कॉल करना है ट्रिगर के अंदर कर सकते हो, जहाँ पे किसको कॉल करना चाहो कॉल कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। अब मैं बात करूँ अगर ट्रिगर में, ऑलरेडी मेरा एक ट्रिगर चल रहा है कॉन्टेक्ट पे, तो मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस ट्रिगर की मैं बात करूँ तो ये जो ट्रिगर है मेरा कॉन्टेक्ट ट्रिगर, ओके, ये जो मेरा कॉन्टेक्ट ट्रिगर चल रहा है, ठीक है, इसी को आप कॉल करके
आप इसको चेंज कर सकते हो, इसमें डायरेक्टली आप फ्यूचर मेथड भी रन कर सकते हो। तो फ्यूचर मेथड कैसे रन करते हो वो मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये मेरा कॉन्टेक्ट ट्रिगर, अब मैं इस वाले को अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उसको कॉल करने से पहले आपको दो काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, एक आपको वेरिएबल के अंदर सारे आईडीज, क्योंकि आपका पैरामीटराइज आपको डेटा पास करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक सेट क्रिएट करना होगा जिसमें आपको अकाउंट की आईडी स्टोर करनी होगी, ठीक है। आप सेट कर सकते हो, लिस्ट भी कर सकते हो, मैं सेट इसलिए यूज करता हूँ ताकि उसमें सारी मेरा यूनिक वैल्यू हो, ठीक है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड आईडी उसमें ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर लूप चलाना है आपको सिंपली, और यहाँ पे हमने क्या चला दिया, अकाउंट ACC डॉट, सॉरी यहाँ पे अकाउंट नहीं है मेरा, क्या है कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया कौन, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या पास करना है, ट्रिगर डॉट न्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है इफ अगर एक कौन डॉट अकाउंट आईडी इसमें अगर है तभी वो मेरा इसमें ऐड करेगा, डज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। और इसमें क्या करोगे आप, इस लिस्ट में ऐड कर दोगे, यहाँ पे डॉट ऐड इसको कौन डॉट अकाउंट आईडी, ठीक है। यहाँ पे एरर दिखा रहा है किस चीज का, वो देख लेते हैं हम एक बार, डज नॉट, ओके इसको हम पहले लगाते हैं, डज नॉट इक्वल। अब यहीं पे आपको चेक करना है इसको कंडीशन, तो यहाँ पे हम आते हैं, चेक करना है इफ इस लिस्ट में अगर डेटा है डॉट साइज ग्रेटर देन 0 तो आपको क्या करना है, ए ऑल आउट फ्यूचर मेथड अब कॉल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं डॉट, ये इसको कॉल कर लेते हैं, और इसको हमने जो आईडी था ये इसको पास कर दिया, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हमारा वो ये वाला जो अपडेट कर रहा था वो नहीं अपडेट कर रहा है। अब इसको हम दोबारा यहाँ पे देखते हैं कितने रिकॉर्ड दो थे, इसको हम देखिए अभी अपडेट हटा देते हैं यहाँ पे, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे 3 रिकॉर्ड, अभी ये भी 0। अब इसमें एक और, अब जैसे रिकॉर्ड क्रिएट होगा वैसे ही इसमें अपडेट हो जाएगा, तो कैसे अपडेट होगा वो चेक कर लेते हैं हम, टेस्ट 5 6। अब देखिए मेरा ट्रिगर भी रन करेगा, फ्यूचर मेथड भी रन करेगा, इसके अंदर आते हैं लॉग में चेक करते हैं, तो आप देखो मेरा फ्यूचर मेथड भी यहाँ पे रन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि मेरा डेटा कितने यहाँ पे अपडेट हुआ है, यहाँ पे कितने हो गए, 3 रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये मेरा फ्यूचर मेथड था ऐसे एसिंक्रोनसली रन करने के लिए। आगे मैं अभी बात करेंगे हम उसमें अपना कैसे फ्यूचर मेथड के अंदर ही कॉल आउट कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हमारा एक और बेनिफिट होगा कि कॉल आउट भी कैसे कर सकते हैं अपने फ्यूचर मेथड के अंदर, ओके। तो आज का हमारा यही था वीडियो इसमें, और ये एग्जांपल मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग पे दे दूंगा, तो उसे जाके आप कोड भी डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ओके। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।